Hello, my dear student. How are you all? Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about the properties of soil. The main properties of soil are soil contains air, soil contains water, soil absorbs water, and soil percolates water. Do you know that soil also contains air and water? Let us find this out by performing an activity. Take a handful of garden soil in a transparent container. Put a lid on the container. Keep the container undisturbed and exposed to direct sun rays. We can see tiny droplets of water inside the container on its lid. This means soil contains water. Due to heat of sunlight, water drops appeared on the container. Now, let us take some water in another container and add handful of soil in it. Look, some air bubbles are forming. These bubbles are formed because air trapped in the soil releases from the gap present between the soil particles. This shows soil has air. अब हम बात स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम सोइल के अंदर वाटर की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। बॉक्स के अंदर जैसे आपको दिख रहा है कि फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं वाटर की सोइल के अंदर। तो यहाँ परसेंटेज कैसे निकलेगी, दैट इज़ द मास ऑफ वाटर इन द सोइल बाय में ओरिजिनल मास ऑफ सोइल मल्टीप्लाई बाय में 100। जैसे सिंपल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि पानी कितना है बाय में टोटल मिट्टी कितनी है मल्टीप्लाई बाय में 100। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं। इस सैंपल प्रॉब्लम को देखो क्या कहता है, 200 ग्राम ऑफ सोइल इज टेकन, 200 ग्राम मिट्टी हमने ली और उसको कम्प्लीटली सुखा लिया ब्राइट सनशाइन में, मतलब तिक्की धूप में। उसके बाद हमने ड्राइड सोइल का वेट किया तो कितना मिला, 170 ग्राम। क्या निकालना है, पानी निकालना है। अब इसको हम कैसे कहेंगे कि सबसे पहले जो ओरिजिनल मास है सोइल का वो 200 ग्राम, सूखने के बाद कितना बचा, 170 ग्राम, तो मतलब पानी कितना हुआ, 30 ग्राम। तो अब पानी की जो अमाउंट है, मास ऑफ वाटर है, वो हमारे पास आ गया। कैसे किया हमने, ओरिजिनल मास ऑफ सोइल में से ड्राइड मास ऑफ सोइल का, ड्राइड सोइल का जो मास है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ वाटर इन द सोइल कितना आया, 30 ग्राम। अब उसी की परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सोइल, दैट इज मास ऑफ वाटर इन सोइल बाय में ओरिजिनल मास ऑफ सोइल। अब मास ऑफ वाटर कितना आया हमारा, 30 ग्राम, ओरिजिनल मास कितना है, 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय में 100। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 15%। तो इस तरीके से गिवन सैंपल के अंदर हमने क्या निकाला कि जो हमारे पास 200 ग्राम सोइल थी उसमें कितने परसेंट पानी था, 15% पानी था। तो इस तरीके से हम बाकी के भी गिवन सैंपल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सोइल में वाटर की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो आपको इसके न्यूमेरिकल मैं दूंगी जो आपको करने हैं। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। टेक अ पेपर एंड वेट ऑन अ बैलेंस एंड नोट द रीडिंग। नाउ ऐड 50 ग्राम्स ऑफ सोइल सैंपल and weigh again and note the reading again. Take 10 ml of water and fix the funnel on an iron stand. Take a filter paper, fold it and place it on the funnel. Put the soil into the funnel and pour the measured 10 ml of water drop by drop on the soil. Finally, measure the amount of water collected in the beaker. This will give the absorption percentage. We can calculate the water absorption percent of soil by using the following formula. We get percentage of water absorbed equals to U minus V into 100 divided by 50 equals to 10 minus 5 divided by 50 into 100 equals to 10%. Here 50 grams of soil is utilized. U represents initial volume of water in the container. V represents final volume of water dipped into the container. By solving the equation, we get the percentage of water absorbed equals to 10%.
सो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर अब्जॉर्ब किया सोइल ने उसकी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज द मास ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय में मास ऑफ सोइल टेकन मल्टीप्लाई बाय में 100 एज यूजुअल। जैसे परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो वाटर अब्जॉर्ब हुआ उसका मास हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है, जो फाइनल वॉल्यूम है पानी का वो कितना है, और हमारा जो सोइल हमने ली है वो कितनी है। तो ओवरऑल इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर जो अब्जॉर्ब हुई है सोइल के अंदर वो हम निकाल सकते हैं। तो अब बात स्टार्ट करते हैं हम अपने सैम्पल प्रॉब्लम की। सैम्पल प्रॉब्लम में क्या लिया हमने, 100 ml वाटर लिया माप के, और उस पानी को हमने 50 ग्राम ड्राई सोइल के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, और कंडीशन क्या लगा दी कि जो हमने ड्राई सोइल लिया वो फिल्टर पेपर के ऊपर रखी हुई है। तो पानी जो था वो उस फिल्टर पेपर से होता हुआ जो नीचे एक और हमने बर्तन रखा हुआ है उसके अंदर कलेक्ट होता गया, और जब हमने उससे मापा तो कितना मिला, 80 ml मिला। तो अब हमें निकालना क्या है कि मिट्टी ने मतलब सोइल ने अपने अंदर कितने वाटर को अब्जॉर्ब किया। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो पानी हमने लिया था उसका इनिशियल वॉल्यूम मतलब स्टार्टिंग में पानी कितना था, 100 ml। बाद में जो फिल्टर होने के बाद बचा नीचे वाले मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वो कितना बचा, 80 ml। मिट्टी कितनी ली थी हमने, 50 ग्राम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब का, दैट इज V1 माइनस V2 बाय में m मल्टीप्लाई बाय में 100। V1 क्या है हमारा इनिशियल वॉल्यूम, V2 है हमारा फाइनल वॉल्यूम, और m क्या है मास ऑफ सॉइल टेकन। तो V1 था 100, V2 था 80, 100 में से 80 गए 20, बाय में मास ऑफ सॉइल कितना था 50 मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ये हमारा क्या आ गया, 40% आ गया। तो मतलब सॉइल ने कितने ग्राम पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब, 40% वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर अब्जॉर्ब होने की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब इस हमने वीडियो के अंदर दो टाइप के न्यूमेरिकल किए। पहले के अंदर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सोइल, पानी कितना है, और दूसरे में निकाला कि मिट्टी ने पानी को कितना अब्जॉर्ब किया। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो आज आपको करने हैं।